हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम बात करेंगे SRH वर्सेस DC, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर थे और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान थे डेविड वार्नर। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने फैसला किया बॉलिंग करने का। वहीं सनराइजर हैदराबाद के लिए मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि वो टॉप फोर में आ पाए, और अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उन्हें क्वालिफाई करने के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी था। SRH की तरफ से डेविड वार्नर और रिद्धिमान साहा ओपन करने। रिद्धिमान साहा जोनी बेस्टो की जगह खेले। वहीं डेविड वार्नर की बात करें तो लास्ट कुछ मैचों में उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं थी, और रिद्धिमान साहा पहली बार SRH के लिए ओपन कर रहे थे और ये दोनों ही नया कॉम्बिनेशन था और इन दोनों ही बैट्समैन ने बड़ी ही शानदार बैटिंग करी। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले 6 ओवर में 77 रन बना लिए, वो भी बिना एक भी विकेट खोए, जिसमें वार्नर ने अपनी 50 पूरी कर ली थी। दिल्ली कैपिटल्स को पहले विकेट गिराते हैं रविचंद्रन अश्विन की बॉल पे डेविड वार्नर कैच आउट हो जाते हैं और उनकी कैच लेते हैं अक्षर पटेल, और दिल्ली कैपिटल्स को ये बहुत लेट विकेट मिलती है। डेविड वार्नर इस मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस करके आउट हो जाते हैं। उनका टोटल स्कोर 66 रन जो कि सिर्फ 34 बॉलों में आता है, और उनकी जगह बैटिंग करने आते हैं मनीष पांडे का लास्ट मैच छोड़ने तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही थी उनकी, और रिद्धिमान साहा बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे होते हैं जिसमें वो 87 रन बना लेते हैं, लेकिन एंड्रे नोकिया की बॉल पे वो कैच आउट हो जाते हैं। नोकिया जो है वो बड़ी देर बाद विकेट लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए और 87 रन बना के रिद्धिमान साहा आउट हो जाते हैं और उनकी जगह बैटिंग करने आते हैं केन विलियम्स। SRH की बात करें तो उनके बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे होते हैं, उनके सारे बैट्समैन रन करते हैं, जिस वजह से SRH जो है वो 219 रन बनाती है अपने 20 ओवर में। और अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इस मैच में कगिस और अबाटा बहुत ज्यादा महंगे साबित होते हैं। एंड्रे नोकिया और अश्विन केवल एक एक विकेट ले पाते हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स को 220 रन बनाने अपने 20 ओवर में। शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपन करने आते हैं, और पहले ही ओवर में SRH के जो भी संदीप शर्मा डालते हैं उसमें डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं शिखर धवन, और उनके बाद बैटिंग करने आते हैं मार्कस स्टॉइनिस इस मैच में कुछ खास ज्यादा कर नहीं पाते हैं, वो भी शबाज नदीम की बॉल पे आउट हो जाते हैं, और उनके बाद बैटिंग करने आते हैं हेटमायर भी कुछ खास ज्यादा कर नहीं पाते क्योंकि बॉलिंग करने आ जाते हैं राशिद खान की बॉल पे वो बोल्ड हो जाते हैं, और इस ओवर में ही राशिद खान अजिंक्य रहाणे को भी आउट कर देते हैं। उसके बाद कप्तान साहब खुद बैटिंग करने आते हैं, श्रेयस अय्यर खुद बैटिंग करने आते हैं, लेकिन वो भी विजय शंकर की स्लोअर बॉल पे केन विलियमसन को कैच थमा बैठते हैं। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं अक्षर पटेल ने काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन राशिद खान की बॉल पे वो भी आउट हो जाते हैं, और उसके बाद तगीस और रबाडा बॉलिंग करने आते हैं और नटराजन की यॉर्कर बॉल पे वो भी आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत जो आखिरी उम्मीद थी दिल्ली कैपिटल्स की वो भी संदीप शर्मा की बॉल पे कैच आउट हो जाते हैं कीपर के हाथों, और अब उसके बाद बैटिंग करने आते हैं रविचंद्रन अश्विन भी कुछ खास ज्यादा कर नहीं पाते हैं, जेसन होल्डर की बॉल पे वो भी आउट हो जाते हैं, और तुषार देशपांडे अच्छी हिटिंग करते हैं लेकिन वो भी मैच को कहीं जिता पाते हैं, वो भी कैच आउट हो जाते हैं संदीप शर्मा की बॉल पे, और दिल्ली कैपिटल्स अपने 20 ओवर में केवल 131 रन ही बना पाती है और इस मैच को सनराइजर हैदराबाद जीत जाती है। सनराइजर हैदराबाद के लिए अब यहाँ से प्लेऑफ में दरवाजे खुल गए हैं और दिल्ली कैपिटल्स अब थोड़ा स्ट्रगल करेगी क्वालिफाई करने के लिए।